आज हम बात करने वाले हैं बेरीज की। आपने काफ़ी जगह पे ये सुना होगा कि बेरीज के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बेरीज काफ़ी अच्छी है, पर बेरीज के नाम पे आपको क्या सुनाई देता है? ब्लू बेरीज है या फिर ब्लैक बेरीज है या फिर क्रैन बेरीज है, ऐसी चीज़ें जो आपको इजीली भारत में नहीं मिलती। तो आज हम ऐसी बेरीज आपको देंगे जो भारत में आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगी, जो बेरीज भी हैं पर उनको बेरीज के नाम से नहीं जाना जाता, उनको अपने रीजनल नाम से जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे, पर उसके पहले देखते हैं कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जो कि आपको बताएंगे कि बेरीज आपको क्यों खानी चाहिए और कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला तो बेरीज में होते हैं भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीज़ जो आपके सेल्स को हेल्दी करती है। प्लस बेरीज जो है वो फुल ऑफ विटामिन्स रहती हैं, उसमें काफ़ी तरह के विटामिन्स रहते हैं, जैसे कि विटामिन सी हुआ, विटामिन के वन हुआ, फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स हुए, मैंगनीज हुआ, इसमें ये काफ़ी मात्रा में मिल जाएगी आपको, तो ये चीज़ आपको खानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें कॉपर रहता है, इसमें फोलेट रहता है, ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद कर सकती है, ये आपके हार्ट को हेल्दी करने में मदद कर सकती है, प्लस ये इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करती है। तो सिर्फ यही नहीं, इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जितने गिनवाएं उतने कम है। तो इन शॉर्ट भाई बात ये है कि जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, बेरीज हो तो खा लो और पेट भर के खा लो। आइए देखते हैं टॉप 15 इंडियन बेरीज। ये है मलबेरी, इसको कामली चेड़ी, मुकू कटिया पलम, हिप्पू नेराले, तुती शेतूर, शहतूत भी कहा जाता है। जब ये कच्ची रहती है तो इसका रंग लाल रहता है और तब ये खट्टी रहती है, जब ये पक जाती है तो इसका रंग काला हो जाता है और ये मीठी हो जाती है। बेसिकली आपको ये हर जगह मिल जाएगी अलग अलग नाम से, तो अगली बार जब भी आपको मलबेरी दिखे तो एकदम से टूट पड़ो, क्योंकि ये सेहत के लिए तो अच्छी है ही, पर साथ साथ में ये आपकी गर्मी को भी कम करती है। तो मलबेरी खाइए और ठंडा रहिए। ये है ग्रेप्स, मतलब अंगूर। आप सोच रहे हैं ये लोग पागल हो गए क्या, पर नहीं, ग्रेप्स जो है वो ट्रेडिशनल बेरीज फैमिली से आती हैं। तो ग्रेप्स तो आपने हर जगह खाई होंगी, आप चाहे कहीं भी रह रहे हो इसका जूस पिया होगा। ये काली आती है, रेड आती है, हरी आती है, तो अगली बार जब ग्रेप्स खाओ तो थोड़ी सी और ज़्यादा खा लेना, समझ के कि ये बेरीज फैमिली की है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स, इसके फ़ायदे आपको और मिलेंगे। तो ये एक नई चीज़ हमने बताई आपको। ये है केप गूसबेरी, इसको नॉर्मल गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको टिपरी कहते हैं, टंकासी कहते हैं, कुंतली कहते हैं, चेरी पोहा कहते हैं, चिरबोट कहते हैं, फोपटी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं। ऑरेंज कलर की रहती है और ये जनरली 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होती, तो आपको जब भी मिले तो इसको लेके स्टोर कर सकते हैं और आराम से 10-15 दिन तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा मिक्स में रहता है, पर मज़ा आएगा। गूसबेरी के बाद बात करते हैं इंडियन गूसबेरी की, जिसको आमतौर पे आयुर्वेद में आंवला के नाम से जाना जाता है। इसको नेल्ली भी कहते हैं, आंवला का भी कहते हैं, आंवला कहते हैं, आंवला कहते हैं, कुछ भी कह लो, पर ये होती है ज़बरदस्त विटामिन न्यूट्रिएंट से भरपूर चीज़। इसका मुरब्बा बन सकता है, इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, इसको सूखा के मुखवास करके खा सकते हैं, पर आंवला तो आपने खाया होगा और आपके लिए एक कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो अगली बार आंवला खाओ तो याद रखना कि ये बेरी है और इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, तो ठूस ठूस के खाइए। एक और टाइप की गूसबेरी की, जिसका नाम है स्टार गूसबेरीज, या जिसको खट्टा आंवला कहते हैं, राजमाली कहते हैं, गिहोरी कहते हैं, अरानेल्ली कहते हैं, हरी फूल कहते हैं, बड़ू हुन्नू कहते हैं, नेल्ली ला कहते हैं। आपने कई बार आप रास्ते से, हाईवे से जा रहे होंगे तो आपने इस फ्रूट को ज़रूर देखा होगा और चखा भी होगा। इसको जनरली नमक और लाल मिर्च के साथ दिया जाता है और खट्टा रहता है, पर बड़ा सा ठेंगी मस्त स्वाद रहता है। अब बात करते हैं छोटे छोटे दिखने वाले इस फल की, जिसका नाम है करवंद बेरी।
इसको बाइची कहते हैं, शोभे करवंद कहते हैं, करमदा कहते हैं, दाकावली कहते हैं, कलावी, करवंद, अविघ्ना, कलाकी, कलीवी और करौंदा भी कहा जाता है। ये जब पका नहीं रहता तो हरा रहता है, पक जाता है तो काला होता है, और जनरली इसको पके हुए खाते हैं और जो हरा रहता है उसका मुरब्बा या फिर पिकल बनाते हैं। यह है जामुन। अब बचपन में किसने जामुन नहीं खाए, पर उस टाइम पे क्या पता था कि ये भी एक बेरी है जिसको जावा प्लम, जाम, फनीर, जाम्बू, नेरडू, नेगाई, काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है और बच्चों का तो ये फेवरेट रहता है। तो जामुन एक बेरी है जिसको खाइए और अपने मुंह को पर्पल बनाइए। यह है कोसम या फिर कुसुम कहो, काकोटा कहो, पोस्कू कहो, लेक्ट्री कहो या पोस्कू कहो। ये जनरली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, वाइल्ड बेरीज रहती हैं और इसको आयुर्वेद में भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो कभी मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ जाओ तो इसको ट्राई करना ना भूले, क्योंकि जनरली ये उसके बाहर मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, वहाँ पे प्लेंटी में मिल जाएगा। भारत में खाए जाने वाली सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरी है वो है स्ट्रॉबेरी, और ये एकमात्र बेरी है जिसको लोग बेरी के नाम से जानते हैं। तो यही है वो स्ट्रॉबेरी, लाल लाल चटकदार, बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट। और महाबलेश्वर जाओ तो थ्रू आउट द ईयर आपको ताज़ी ताज़ी मोटी मोटी मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी मिलेगी। यह है चिरौंजी, जिसको चारोली, पीएल, चारू, प्रसावक, चार भी कहा जाता है। इसको आप बेरी के तरह भी खा सकते हैं या फिर आपने जो देखा होगा वो होगा इसका रॉ फॉर्म, जिसको पेड़े वगैरह के ऊपर में एक एक चिपका के लगाते हैं। तो ऐसे खाइए या ड्राइड में खाइए, पर चिरौंजी खाइए क्योंकि होती है एक बेरी। ये है गोजी बेरी। गोजी बेरी को वुल्फ बेरीज या फिर मुरली भी कहा जाता है। ये भारत के कई प्रदेशों में पाई जाती है और इसको फ्रेश या फिर ड्राइड फॉर्म में भी खाया जाता है, और ये विटामिन सी का एक रिच सोर्स है जो इसको स्पेशली आपके आँखों और आपके स्किन के लिए बेहतर बनाता है। प्लस इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको वेट लॉस जर्नी में भी मदद करेगी। यह है फालसा, जिसको फुलसा, चाडीचा, उन्नू, फुटुकी, शुक्री या फिर शरबत बेरी कहा जाता है। शरबत बेरी इसलिए क्योंकि इसका शरबत काफ़ी फेमस है, यह आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में मिल जाएगा, पर यह सीजनल फ्रूट है तो आपको समर में दिखेगा ज़्यादा। तो आप इसको खाइए, इसका शरबत पीजिए और एकदम ठंडा ठंडा महसूस कीजिए, हीट को बीट कीजिए। यह है लसोड़ा, जिसको इंडियन चेरी, भोकर, बनानेकरा, बोटगिरी, लंबे लाबा, बहुबारा, मूक, बहोरी, गुंदा, निशोर या फिर डेला भी कहा जाता है। पर इसको जनरली कच्चा नहीं खाया जाता, इसका अचार बनाते हैं और फिर इसके अचार को खाते हैं। इसकी आयुर्वेदिक काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और इसका एक और वर्जन है ये ऑरेंज वाला, जिसको कच्चा खा सकते हैं और गांव वगैरह में बच्चे अक्सर खाते हैं इसको, तो ये भी न्यूट्रिशन से काफ़ी भरपूर रहता है। तो ऑरेंज वाला आप डायरेक्टली कच्चा खा सकते हैं। ये है कोकम। कोकम को मुरगल, देवनाहुली, वृक्षम्या, कोकम्बा, रतम्बा, भिरंडा, आमसूल, ब्रिंदा, कदम्बी, आमसोल, काफ़ी सारे नाम हैं, और ये फेमस है अपने कोकम के शरबत के लिए, जो महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर शरबत है गर्मियों में, जो हीट को बीट करता है। और इसका हल्का सा टैंगी और हल्का सा तीखा जो मिक्सचर है वो लोगों का काफ़ी पसंद आता है। तो अगली बार महाराष्ट्र जाओ तो कोकम शरबत पीना मत भूलना। लास्ट में है बेर। अब भारत में कोई रहा हो और उसने बेर ना खाया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसको बोर, बोरोय, बद्री, इंडियन प्लम, काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है। इसकी अनगिनत वैरायटीज़ भी आती हैं, छोटे, बड़े, ब्राउन, ग्रीन, रेड। तो ये बेसिकली जो बेर हैं वो भी बेरी फैमिली से आते हैं, बोर, बेर, बेरी इक्विवेलेंट है। तो ये थी हमारी आज की बेरियों की लिस्ट। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। Do subscribe and keep watching Food Facts with Recipe.